नमस्कार, आप देख रहे हैं रेन विस्तार न्यूज, में आपके साथ अंजलि पांडे। क्षेत्र के गांव लाठर देवाहुड़ में भारतीय खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाते हुए दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रविवार को प्रतियोगिता का आयोजन मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी बुढ़पुर के तत्वधान में किया गया, जिसमें 800 तथा 1600 मीटर दौड़ के लिए अंडर 14 तथा ओपन ग्रुप के बालक तथा बालिकाओं ने हिस्सा लिया। निर्णायक AFI कोच सुशील आर्य ने बताया कि 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में अंडर 14 में प्रथम सोलित, द्वितीय दीपक सैनी, तृतीय तनिष त्यागी व 1600 मीटर दौड़ में महिला वर्ग में प्रथम अर्पिता सैनी, द्वितीय काजल, तृतीय मनीषा, पुरुष वर्ग में प्रथम एहसान, द्वितीय राहुल, तृतीय रॉकी ने स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में विजयी होने वाले और अच्छा प्रदर्शन करने वाले बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित किया गया। अर्पिता और काजल, कितने मीटर रेस में अभी आपने प्रतिभाग किया था? 1600 मीटर में। कौन कौन फर्स्ट आया? मैं फर्स्ट हूँ। ये सेकंड है। हम चाहते हैं कि हम लोग नेशनल पे पार्टिसिपेट करें, पोजीशन दें और जिससे कि इंडिया का मेडल लेके। और कहाँ से हैं आप लोग? मुझे फनगर। आप दोनों बहने हैं? जी, ताऊ चाचा एक ही परिवार से। हाँ जी। कब से आप लोग दौड़ में लगे हुए? 2012 से। कहाँ कहाँ आपने प्रतिभाग किया? दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता। मैराथन होती है ना, 21 किलोमीटर। मैराथन में गए हो आप? हाँ जी। 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट दौड़े लगातार दोनों एक साथ? हाँ जी। क्या संदेश देंगे? ऐसा नहीं है कि वो लोग भी कर नहीं सकते, वे तैयारी करेंगे तो हमसे भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। मम्मी पापा का, माँ बाप का सपोर्ट कैसे रहता है घर में? अच्छा रहता है सर। पिताजी का सपोर्ट? सबका सपोर्ट है, तभी तो यहाँ तक आते हैं। ये इस क्षेत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि रही और इसमें जो प्रमुख योगदान रहा है यहाँ के ग्राम पंचायत के प्रधान अजय जी और सामाजिक कार्यकर्ता अजय प्रजवाल और साथ साथ यहाँ की युवा शक्ति के रूप में एक शक्ति उभरे सुशील जी। सुशील जी बड़े मेहनती व्यक्ति हैं और वो यहाँ बच्चों को खेल का प्रशिक्षण देते हैं, एथलेटिक्स का, और उन्हीं की प्रेरणा से ये ध्यानचंद के खेल दिवस के उपलक्ष्य में मिल्खा सिंह के एकेडमी ने ये प्रोग्राम रखा और ये प्रोग्राम जो है इस क्षेत्र के लिए बड़ा ही दूरगामी इसके जो है वो रिजल्ट आएंगे। और हमारा मानना है कि अभी भारत देश के युवाओं को भी नहीं पता है, लेकिन हमारे देश में परिवर्तन आ रहा है। ये सर्वप्रथम मैं सुशील आर्य, AFI कोच। जय हिंद, जय भारत। ये मिल्खा सिंह एकेडमी इसी वर्ष हमने इस ग्राउंड पे स्टार्ट किया है। मिल्खा सिंह एक इंटरनेशनल एथलीट रहे हैं अपने ज़माने के, और गोल्ड मेडल से वो नाम मात्र कुछ ही लक्षण दूर रहे थे अपने ज़माने में, और सबसे बेहतरीन दौड़ने वाले, सबसे तेज धावक इस इंडिया के माने जाते हैं। मिल्खा सिंह स्टेडियम इस ग्राउंड पे हमारी चलाने की प्रक्रिया है। छोटे बच्चों को अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 एंड ओपन एज ग्रुप, और महिलाओं के लिए भी हमारी ये कोशिश है कि इस ग्राउंड पे हम महिलाओं के लिए भी एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबॉल और आपका रेसलिंग, विभिन्न प्रकार के गेम्स कराने की और सिखाने की व्यवस्था कराई जाने की प्रक्रिया हमारी है। लगभग बहुत बच्चे इधर आए हमारे स्टेडियम में दौड़ने के लिए, फिर आपके सहारनपुर क्षेत्र से काफ़ी बच्चे आए, मुजफ्फरनगर क्षेत्र से काफ़ी बच्चे इधर आए, और पूरे उत्तराखंड से, लगभग लक्सर क्षेत्र से, हरिद्वार क्षेत्र से, और आपका ये जो चितमलपुर साइड है, पूरे क्षेत्र से यहाँ पे हमारे इस स्टेडियम में बच्चे दौड़ने के लिए आए, इस प्रतिभाग में हिस्सा लेने के लिए आए। मेरा यही संदेश है सर्वप्रथम कि मन स्वस्थ, तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। अरस्तु का कहना है कि अगर हमारा तन स्वस्थ रहेगा तो मन ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगा। छोटे बच्चों को खेलकूद प्रतियोगिता कराने का जिम्मा हमने लिया है इस ग्राउंड पे। हम अधिक से अधिक बच्चों को, जो छोटी जनरेशन के बच्चे हैं, वहाँ यहाँ लेके आएंगे, उनको सिखाएंगे और उनको स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल तक लेके जाने की कोशिश हम इस ग्राउंड से लेके जाने की कोशिश करेंगे। सरकार से कोई सुविधा भी आपको मिलने शुरू हुई है? नहीं, अभी सरकार से हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही यहाँ पे। जो भी कर रहे हैं हम अपने खर्चे से, या ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी आसपास के प्रधान जी लोग बाग हैं उनसे हमें यहाँ पे पूरी मदद। 40 वर्ष के बाद इसलिए इतिहास रखा जा रहा है क्योंकि हमारे
एथलेटिक्स क्षेत्र से जो जेवलिन थ्रो के नीरज चोपड़ा जी थे, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया ओलंपिक गेम्स टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में। तो उनका इस इंडिया के ऊपर और पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में अपना एक बहुत बड़ा रोल रहा। हरिद्वार क्षेत्र से हमारे काफ़ी बच्चे आए हैं जी, एक नहीं काफ़ी आए, उनका बहुत बढ़िया रोल रहा यहाँ पे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, धन्यवाद। एक बहुत बड़ी असमड़ी थी सर, जब ये टोक्यो ओलंपिक शुरू हुआ तो इसके बारे में किसी को भी ज्ञान नहीं था कि इतना बड़ा परिवर्तन आएगा। सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो आया एथलेटिक्स में, लोग तरस गए, कितनी शक्तियाँ चली गई, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई गोल्ड मेडल से हुई। और ये गोल्ड मेडल्स हमारे देखिए जो गोल्ड मेडल विजेता है नीरज चोपड़ा जी, उनकी महानता है, उन्होंने मिल्खा सिंह को समर्पित किया ये गोल्ड मेडल। दूसरा हॉकी के क्षेत्र में जाए तो एक बहुत बड़ी आपने पूरा मैच देखा होगा, इंडियन हॉकी टीम ने टर्फ में खेलना सीख लिया, ये आपको देखने को मिला। एक मैच में ऑस्ट्रेलिया सारी, बाकी सारे मैच उन्होंने ऐसा जीता जैसे वीर योद्धा। और आप महिलाओं को देखिए, बेटियां, भारत की बेटियां गरीब घर से निकल रही हैं, किसी के पिताजी रिक्शा चला रहे हैं, किसी की माँ जो दर्जी है का काम कर रही है। अभी एक शैली झांसी की है, उसने वर्ल्ड 20 में जो सिल्वर मेडल जीता ऊंची कूद में। तो ऐसी ना जाने कितनी प्रतिभाएं जो है हमारी तैयार हैं, और खेल के उसमें एक शक्ति बनाने में। और आपको मैं बता दूं, जिस देश का पदक सबसे ज़्यादा आता है वो देश सबसे ज़्यादा विकसित होता है। आप देखिए अमेरिका है, अमेरिका आज की डेट में सबसे ज़्यादा पदक ला रहा है, इसके मतलब वहाँ जो है, और अमेरिका नंबर दो पे चला गया। तो आप देखिए जो है चीन जो है नंबर वन की शक्ति है, और बिना हमारा युवा लाख ज्ञानी हो, लाख योग हो, अगर वो स्वस्थ नहीं है तो उसका जो है ज्ञानी होना बेकार है। इसलिए हमारा मानना है हमारा खेल जो है वो भारत के गांव से होकर गुजरता है, शहर क्यों नहीं, गांव बलियारों हाथों से बच्चा जा रहा है भैंस पे बैठ के, कुछ मतलब लाख प्रतिभा, हमारा भारत लाख प्रतिभा धनी है। अब वो दिन आ रहा है, और धीरे धीरे आप देखिएगा 2032 में तक बहुत बड़ा चेंज आएगा। और आपके माध्यम से मैं पुनः मैं दादा ध्यानचंद के खेल दिवस में आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, भारत माता की जय।